गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर सेकेंड नोइंग अवर अर्थ कंप्लीट रीड कर लिया था विद हिंदी। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं एंड साथ साथ लर्न भी करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, व्हाई कैन वी नॉट सी द अर्थ एट वन गो। क्या कहता है कि हम अर्थ को एक ही टाइम में पूरा क्यों नहीं देख सकते। बिकॉज अ ग्लोब कैन ओनली शो वन पार्ट ऑफ द अर्थ एट वन गो। क्यों नहीं देख सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि जो ग्लोब है वो एक टाइम में एक समय में सिर्फ एक ही पार्ट शो करता है अर्थ का। क्या शो करता है? वन पार्ट ही शो करता है। किस चीज़ का? अर्थ का। वाई डू सेलर्स यूज अ कंपास? सेलर्स कंपास का यूज़ क्यों करते हैं? यानी कि जो बड़े बड़े जहाज चलाते हैं वो कंपास का यूज़ क्यों करते हैं? आंसर है टू फाइंड डायरेक्शंस। क्या आएगा स्टूडेंट्स आंसर? टू फाइंड डायरेक्शंस, यानी कि जो हमारी दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन्हें ढूंढने के लिए वो क्या करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाई आर मैप्स मोर कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स। कि बच्चों के लिए यानी कि जो विद्यार्थी हैं स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैप ज़्यादा ज़रूरी क्यों होते हैं? क्यों होते हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज मैप्स आर यूज टू शो स्मॉल डिटेल्स। क्यों होते हैं? क्योंकि मैप का जो यूज़ है, मैप का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है? छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 3 ही थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको चैप्टर रीड करते हुए भी बताया था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, यानी कि ज़मीन के एक बड़े भाग को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी कि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जिसे कॉन्टिनेंट कहा जाता है, यानी कि द्वीप कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट इज़ अ कंपास? कंपास क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ जो कि डायरेक्शंस को यानी कि दिशाओं को ढूंढने के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स हमारा, व्हाट आर ओशियंस? क्या है? व्हाट आर ओशियंस? ओशियंस क्या होता है, यानी कि जो महासागर हैं वो क्या है? नेम द लार्जेस्ट ओशियन। सबसे बड़े ओशन का नाम हमें बताना है। वेरी लार्ज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियंस। क्या कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी जहाँ पर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े जल निकायों को, किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? बहुत बड़े जल निकायों को महासागर कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन क्या था स्टूडेंट्स? प्रशांत महासागर को सबसे बड़ा महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। कौन सा ओशन है सबसे बड़ा? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर लॉन्ग एंड शॉर्ट। इन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा बड़े आपको नहीं करवाए हैं, इसीलिए आप लर्न भी कर लीजिएगा और साथ साथ में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट भी कर लीजिएगा। थैंक यू।